अडवाणी जी ने अपना कोई एजेंडा इसमें डाला है या ऐसी कोई बात कही है जिसमें कोई बात नहीं है? अब देखिए, आपने इतने जितना अडवाणी जी ने लिखा है उससे कई ज्यादा सवाल आप उठा रहे हैं। अडवाणी जी ने जो लिखा है वो साफ तौर पर आप सिर्फ उसी पैराग्राफ पर जोर दे रहे हैं। बाकी सारे पैराग्राफ्स आप देखेंगे, अडवाणी जी का पूरा इस ब्लॉग के तहत उनका फोकस है कांग्रेस पार्टी की। उनकी जो टाइटल ऑफ द ब्लॉग ऑल्सो यही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से गिर रही है, कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस अगले लोकसभा चुनाव में सबसे खराब, 1952 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन होगा। दो शब्द मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है इसी ब्लॉग में, उसकी प्रिंसिपल बेनिफिशियरी जो कांग्रेस की नुकसान का बेनिफिशियरी होगा भाजपा। जब अडवाणी जी 100 सीट से कम सीट बता रहे हैं कांग्रेस के लिए, उससे सब सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं, उस स्थिति में बीजेपी को 182 से नीचे किसी भी सूरत में सीटें नहीं मिलेंगी।